सब्सक्राइब कीजिए निमाय कुमार के इस चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए सबसे पहले इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नई ट्रिक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप किसी का भी मोबाइल नंबर को अपने डिवाइस अपने मोबाइल में सेव करते हैं तो उसकी मोबाइल की फ़ोटो यानी गैलरी को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए आज का ये वीडियो। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ आपको सिंपली टाइप करना है आइकॉन। ठीक है, जैसे ही आप आइकॉन यहाँ टाइप करेंगे आपके पास यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन जो आपको लोगो दिख रहा है उसको आपको प्रेस करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि दोस्तों मैं यहाँ इसको इंस्टॉल कर लिया हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है, सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद आपका जो फ्रंट लोगो होगा वो किस इस टाइप का होगा। यहाँ आप शो कर पा रहे हैं जैसे वेलकम टू आइकॉन। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होगा आपका गेट स्टार्टेड का, इसको आपको स्टार्ट कर लेना है और अलाउ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप अलाउ पे क्लिक कीजिएगा आपके पास चार अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, इसको आप अलाउ करते जाइए। उसके बाद आपको यहाँ एक कुछ इस टाइप का लोगो शो हो जाएगा, यहाँ आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहाँ डालता हूँ अपना, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ कंटिन्यू करते हैं आपके पास कुछ इस टाइप का लोगो यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ आप अपना फ़ोटो को टैप करके और सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई भी एक फ़ोटो को दे देता हूँ। ठीक है, मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ ये और मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ अपना नाम लिखना है। ठीक है, जो आपका नाम है आप उसको लिख लीजिए यहाँ पर और यहाँ दिस इज मी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आपको कुछ इस टाइप का लोगो मिल जाएगा, कुछ यहाँ प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। आपको यहाँ अगर देखना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए, वरना आप यहाँ स्किप पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्किप पे क्लिक करता हूँ और आपके पास यहाँ फिर से एक इस टाइप का फ्रंट व्यू देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको लिखा हुआ आ रहा कि परमिशन टू आइडेंटिफाई अननोन कॉल विथ कॉलर आईडी। आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको स्किप पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ इस टाइप का लोगो मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे डिवाइस में इतना सारा अभी शो हो रहा है। ठीक है, अगर और आपका किसी का मोबाइल नंबर का ज़्यादा आपको पिक देखना है यानी फ़ोटो देखना है तो आपको सिंपली उस पर टाइप करना है और सॉरी वहाँ सिंपली आपको टैप करना है और यहाँ आपको एक जो मैन का आइकॉन दिख रहा है उसको आपको यहाँ टैप कर लेना है फिर से। और उसके बाद यहाँ आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर में तीन, यहाँ आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ देर यहाँ पर वेट करना है और आपके पास यहाँ फ़ोटो शो हो जाएगा। तो दोस्तों जिस जिस के डिवाइस में जितना फ़ोटो होगा वो आप यहाँ पर शो कर पाएंगे, मतलब आप यहाँ पर देख पाएंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।